जय श्री कृष्णा। आज सभी वैष्णवों को हिमानी पारेख के जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने और एक नया वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार हवेली एक साथ दिखाई जा रही है। देखिए, ये 3 फुट की हवेली है। ये पूरी कार्विंग की गई हुई है। यहाँ नीचे स्लाइडिंग से ट्रे से शुरू होती है। ये नीचे बॉक्स के ऊपर ये हवेली को रखना है, इसलिए इसमें ड्रॉवर नहीं किए गए हैं। इसमें एक माता जी का कक्ष अलग दिया गया है और बीच में ठाकुर जी का निज मंदिर और सैया मंदिर है। और ये पूरी कार्विंग की गई हुई है। इसमें साइड में झरूखे नहीं दिए गए हैं, क्योंकि उनके यहाँ जगह की कमी होने के कारण यहाँ पर झरूखे नहीं दिए गए हैं। ये एक बड़ी हवेली है, जिसकी साइज 4.5 बाई 5.5 फीट की है। ये पूरी कार्विंग की गई हुई है। इसमें नीचे 1.5 फीट तक ड्रॉवर दिए गए हैं। ड्रॉवर के नीचे यहाँ पर व्हील लगाने बाकी है। और ऊपर ये ठाकुर जी का मंदिर है, निज मंदिर है। ये निज मंदिर है, ये सैया मंदिर है। और यहाँ पर हमने माता जी का स्थान दिया है। उसमें भी हमने ऊपर नीचे अलग अलग, आप अपने हिसाब से ठाकुर जी को या गणेश जी को रख सकते हो, इस तरह की जगह दी गई हुई है। ये पूरा कार्विंग किया हुआ मंदिर है। इसके ऊपर जो अष्ट सखा गोपी और महाप्रभु जी, यमुना जी सब दिख रहे हैं, उसके ऊपर कलर किया हुआ है। ऐसा मंदिर हमने पहली बार बनाया है। ये छोटी सी हवेली है। इसकी साइज ओनली 27 इंच है और इसकी हाइट 3.5 फीट जितनी है। कस्टमर के किए गए अनुसार ही हमने ये हवेली बनाई है। इसमें साइड में झरूखे हमने इस तरह से बनाए हैं, कम जगह होने के कारण। और इसमें शयन कक्ष हमने ये क्रॉस में दिया गया है। ऊपर की डिज़ाइन थोड़ी शयन कक्ष में अलग की गई हुई है। देखिए, और ये 3.5 बाई 4 फीट की हवेली है पूरी। और ये भी पूरा कार्विंग किया गया हुआ मंदिर है। इसके डोर के ऊपर भी पूरी अच्छे से कार्विंग किया गया हुआ है। और इसके ऊपर छवि जी भी दी गई हुई है। और नीचे यहाँ पर ड्रॉवर है, उसके नीचे व्हील है, ये स्लाइडिंग ट्रे है और दोनों साइड झरूखे भी दिए गए हुए हैं। ये तो हमने चारों हवेली आपको एक साथ दिखाई है। अब मैं फिर से आपको चारों हवेली की साइज और वो बताना चाहती हूँ कि उसमें क्या क्या अलग है। देखिए, ये जो हवेली मैंने पहले दिखाई, ये पूरे 3 फुट में बनाई गई है। और इसमें ही माता जी का भी कक्ष है और ठाकुर जी का भी निज मंदिर और सैया मंदिर है। और पूरा कार्विंग किया गया हुआ है। अब इसके आगे हम ये बड़ी हवेली देखते हैं, जो बड़ी जगहों में भी अच्छे से, उसका बड़ी जगहों के लिए ही बनवाई गई है। इसमें भी माता जी का स्थान है और ठाकुर जी का निज मंदिर, सैया मंदिर है। लेकिन ये भी पूरा कार्विंग किया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर हमने पहली बार ये पेंट किया हुआ, डोर पे पूरा पेंट किया हुआ है। और ये हवेली है, ये बड़ी हवेली की साइज 4.5 बाई 5.5 फीट की है। ये छोटी हवेली 27 इंच और हाइट में ये 3.5 फुट की है।
और ये इसके ऊपर जो डोर पे अष्ट सखा और महाप्रभु जी और महारानी जी आपको दिख रहे हैं, ये एक्रेलिक के हैं, ये ऊपर से लगाए हुए हैं। देखिए कंपेयर में ये पूरा कार्विंग किया गया हुआ है और ये उसके ऊपर से लगवाए गए हुए हैं। और ये हवेली 3.5 फीट की है और उसकी हाइट 4 फीट जितनी है। इसमें छबी जी गार्डन भी है, वो आपने देखा। और ये हवेली भी पूरी कार्विंग की गई हुई है और ऊपर से इसमें हाईलाइट के लिए गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया गया है। मैंने आपको ये चारों हवेली अंदर से बाहर से दिखाई, वो किस तरह बनाई गई है वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपको भी ऐसी कोई हवेली कस्टमाइज़ करवानी हो, आपको जिस तरह से हवेली चाहिए उस तरह से हम आपको बना के दे सकते हैं। जो भी साइज़ में आपको चाहिए वो साइज़ में भी बन सकती है। तो प्लीज़ हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या कमेंट करके हमें बताइए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। और अगर आपको भी कोई हवेली ऐसी बनानी हो तो प्लीज़ हमें कॉल करके बताइए। और आपने हमारे ये वीडियो, अभी ये चारों हवेली के वीडियो अलग अलग हम आपको अपने वीडियो अपने चैनल में दिखाएंगे। तो चारों हवेली के वीडियो हमने अलग अलग करके अपने चैनल में दिखाए हैं, तो प्लीज़ आप उसे भी ठीक से देखें। अगर ऐसी कोई हवेली आपको भी कस्टमाइज़ करवानी हो तो हमें बताइए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम आपको और अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।